नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि. लेसन नंबर 9. गमिष्यामि. आई विल गो. वेर विद्यालयं टू द स्कूल. हू अहम. आई. अपि आल्सो. आई विल आल्सो गो टू द स्कूल. नेम ऑफ द लेसन इज आई विल आल्सो गो टू द स्कूल. मालिनी वदती. मालिनी, ये जो पाठ है ये संवादात्मक पाठ है. इस पाठ में मालिनी, गिरिजा, दर्शना इन पात्रों का समावेश है. मालिनी और गिरिजा ये दोनों फ्रेंड्स है, सखियां हैं, और इनमें ये वार्तालाप हो रहा है और ये दोनों नेबर्स है एक दूसरे के. मालिनी वदती प्रतिवेशिनिं प्रति, अपने नेबर को मालिनी कहती है कि प्रतिवेशिनी. हियर इट इज रिटन ऑन पेज नंबर 51. प्रतिवेशिनी मींस पड़ोसन, नेबर. मालिनी अपने पड़ोसी गिरिजा से कहती है, गिरिजे, ओ गिरिजा, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः. काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय. मालिनी अपनी नेबर से कहती है, अपनी नेबर गिरिजा से कहती है, मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुलगृहं, मामा के घर, प्रस्थितः, गया है, निकला है, गया है. काचित अन्यम कामपि, अगर कोई दूसरी महिला है, स्त्री है, किस लिए? कार्यार्थम, अगर कोई दूसरी महिला काम के लिए, जानासी, अगर तुम जानती हो, तरही प्रेषय, तो उसे भेज दो. मालिनी अपनी नेबर गिरिजा से कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है, तो काम के लिए अभी मुझे कोई स्त्री चाहिए, तो ऐसी कोई तुम स्त्री को अगर जानती हो तो तुम उसे भेजो. गिरिजा कहती है, आम सखी, हे सखी, यस, मैं जानती हूं. आम मतलब यस. अह प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म. अद्य, आज, प्रातः, सुबह, एव ही, आज सुबह ही, आज सुबह ही मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है, मुझे जो मदद करती है, स्वसुतायाः कृते, अपनी लड़की के लिए, कर्मार्थम, काम के लिए, पृच्छति स्म, पूछ रही थी. मेरी जो सहायिका है, मेरे यहाँ जो काम करती है, मुझे जो मदद करती है, वो अपनी लड़की के बारे में मुझे पूछ रही थी कि उसके लिए कुछ काम है क्या. श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, करूंगी, वार्तां करिष्यामि, बात करूंगी. किसके साथ? कया सह, तया सह मतलब उसके साथ. वो जो वो जो उसकी काम करने वाली है उसके साथ. कब? अद्य प्रातः, आज सुबह ही, सॉरी, श्वः प्रातः, कल सुबह ही, तया सह, उसके साथ मैं वार्ता करूंगी. गिरिजा कहती है कि मेरी कि हे मालिनी, मुझे जो मदद करती है वो उसकी बेटी के लिए, बेटी के बारे में वो काम के लिए पूछती रही थी, तो कल सुबह ही मैं उसके उसके साथ बात करूंगी और मैं उसे पूछूंगी. अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति. मालिनी द्वारं प्लस उद्घाटयति, पश्यति यद् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति. अग्रिम दिने, दूसरे दिन ही सुबह 6 बजे
मालिनी के घर की घंटी बजती है और कोई मालिनी का द्वार उद्घाटयति पश्यति, दरवाजा खोलता है और पश्यति मतलब देख रहा, दृश्य पश्य मीन्स टू सी, पश्यति देखता है। यत क्या देखते हैं कि गिरिजाया है सेविकया, गिरिजा की मतलब ऐसा कोई दार कोई दरवाजा खोलता है और ऐसा दिखाई देता है, मतलब कोई दरवाजा खोल रही है और उस वक्त ऐसा दिखाई देता है कि गिरिजाया है सेविकया, गिरिजा की जो सेविका है वो दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एका गिरिजा की सेविका का नाम क्या है दर्शना, और उसके साथ एक 8 वर्ष की एक बालिका खड़ी है। मतलब मालिनी और गिरिजा ये दो नेबर्स है, गिरिजा की सेविका का नाम है दर्शना, और वो दर्शना का एज क्या है 8 साल, सॉरी यस यस, गिरिजा की सेविका का नाम दर्शना है और उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका है। यहां बालिका का नाम नहीं बताया है। अब दर्शना कहती है, महोदये भवति कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सूताये अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवति। दर्शना कहती है, महोदये और रिस्पेक्टेड मैम, भवति कार्यार्थम आपके काम के लिए गिरिजा महोदयां पृच्छन्ति स्म, गिरिजा मैम साहब को मैंने पूछा था, कृपया प्लीज कृपा करके मम सूताये मेरी लड़की के लिए अवसरम प्रदाय, क्या अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदाय देकर अनुग्रहना तो भवती, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मतलब उपकार कीजिए। मालिनी वदती, परम एषा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, हियर इट इज संधि, परम प्लस एषा, परम बट, लेकिन एषा मतलब ये, लेकिन ये तो अल्पवयस्का मतलब अल्प कम, वयस्का एज, ये तो काफी कम आयु की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, ये क्या काम करेगी, अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम कालः ये काल है, किस चीज का काल है, अध्ययनस्य क्रीडनस्य, इसका ये पढ़ने का और खेलने का समय है, ये जो इसका टाइम है, ये जो इसका वक्त है वो खेलने का और पढ़ने का समय है, किसका, अस्याः, ये जो लड़की है आपकी, दर्शना वो मालिनी दर्शना से कहती है कि ये जो आपकी लड़की है उसका अभी खेलने का और पढ़ने का समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, देखो दर्शना क्या कहती है, दर्शना सेज कि ये जो है बालिका, ये एकस्य गृह से एक घर का पूरा काम करती है, सहा परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वो जो परिवार है, वो जो फैमिली है, वो अधुना मतलब अब विदेशं प्रति प्रस्थितः, वो विदेश गई है, ये जो फैमिली है ये भी विदेश गई है, कार्य अभावे, कार्य प्लस अभावे, कार्य का अभाव होने के कारण, अभाव मतलब lack, due to lack of work मतलब क्या, अभी काम ना होने की वजह से, मतलब वो तो विदेश गए हैं तो अभी ऐसे काम नहीं है, so इसलिए कार्य का अभाव होने के कारण, अहम प्लस एतस्य, अहम मतलब मैं इसके लिए काम ढूंढ रही, कार्यम अन्वेषयामि, काम ढूंढ रही हूँ, अन्वेषयामि स्म, मैं इसके लिए काम
ढूंढती हूं, मतलब क्या, मैं हर रोज काम ढूंढती हूं। ये न भवत सदृशानां कार्यं प्रचलित, जिस वजह से आपके जैसों का काम भी हो जाए, आपके जैसों का काम हो जाए, और च मीन्स एंड, और अस्मत सदृशानां, और हमारे जैसों का गृह संचलनाय, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था हो सके। देखो वो दर्शना क्या कहती है कि ये जो लड़की है ये एक घर का काम करती है, मतलब मालिनी उसे कहती है कि ये जो लड़की है वो बहुत ही छोटी है, ये क्या काम करेगी, और इसका जो वक्त है ये अध्ययन का और खेलने का समय है। सो लेकिन दर्शना उसे कहती है कि ये जो लड़की है ये एक घर का काम करती है, इतने दिन ये एक घर में काम करती थी, अब वो विदेश चले गए, फॉरेन चले गए, इसलिए अब उसे काम नहीं है, और इसके लिए मैं काम ढूंढ रही हूँ, और मैं इसलिए काम ढूंढ रही हूँ कि भवत सदृशानां कार्यं प्रचलित, आपके जैसों का भी काम हो जाए, और अस्मत सदृशानां, और हमारे जैसों के गृह संचलनाय, हमारे जैसों के घर चलाने के लिए भी धन की व्यवस्था हो जाए, धनस्य व्यवस्था भवे। Now we'll stop and discuss. Amrapali, miss, you can stop recording. Yes, miss.